الله على النبي الكريم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और ये वो लोग हैं जो ना तो रुकिया करते हैं और ना परिंदों से फाल लेते हैं और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। इसमें जो फजीलत बयान की गई है वो उन लोगों की फजीलत बयान की गई है जिनके अंदर तीन सिफात हैं, और फजीलत ये है कि अल्लाह ताला उनको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा, ये अल्लाह का उनके साथ ख़ास फ़ज़ल होगा। बाज़ रिवायतों में और दूसरी सिफात का भी तज़किरा मिलता है कि जिनके अंदर वो सिफात होंगी अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब किताब के उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यहाँ पर तीन सिफात का तज़किरा है। पहली सिफत यह है कि वो रुकिया नहीं करते। रुकिया किसको कहते हैं? ये जो तावीज़ वग़ैरह लिखे जाते हैं इनको भी रुकिया कहते हैं। इसकी बहुत सी शक्लें हैं। तावीज़ बाज़ वो होते हैं कि जिनमें आयात कुरानिया लिखी जाती हैं, बाज़ वो होते हैं कि जिनमें आयात कुरानिया के नंबरात लिखे जाते हैं, बाज़ वो होते हैं कि जिनमें गैर मफहूम सी चीज़ होती है जिसको कोई समझ नहीं सकता कि क्या लिखा गया। तो यहाँ जो बात फरमाई गई कि जो लोग रुकिया नहीं करते वो लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, तो इससे ये बात तो ज़ाहिर होती है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन और मुतअद्दिद रिवायात हैं जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि रुकिया बहरहाल जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी इजाज़त दी है, लेकिन दोनों रिवायतों में जो ज़ाहिरी तौर पर एक तरह का फ़र्क नज़र आ रहा है वो फ़र्क इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो बात फरमाई कि ला यस्तरकून के रुकिया नहीं करते, वो ये नंबर एक तो ये कि आला दर्जे के तवक्कुल की बात है, ये यानी बेहतर शक्ल है। ये ख़ास औलिया अल्लाह का मकाम है कि अल्लाह पर पूरा तवक्कुल करते हैं और इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता कि वो असबाब इस तरह के असबाब अख्तियार करें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो ममानात है, अक्सर शुर्राह ने बात लिखी, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी बड़ी लंबी बहस की फतुल बारी में, और हजरात ने भी बात लिखी कि यहाँ पर जो ममानात है वो उस रुकिये की ममानात है कि जिसमें जो चीज़ लिखी गई है वो मालूम ना हो, किसी दूसरी ज़बान की हो। अब ये कुछ मालूम नहीं कि उसमें क्या लिखा गया, कोई शिर्क की बात है या कोई इंतहाई नामुनासिब बात है, तो ऐसा रुकिया तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन वो रुकिया कि जिसमें आयात कुरानियाँ लिखी जाएं, उसके सही होने में बज़ाहिर कोई कलाम नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा व सहाबा के बारे में आता है कि वो बच्चों के गले में इस तरह का रुकिया डालते थे, चांदी के पतरे पर वो दुआ लिख देते थे और लिख कर टांग देते थे, और ये फरमाते थे कि ये पढ़ नहीं सकते इसलिए हम इनके गले में टांग देते हैं, और जब वो पढ़ने के लायक हो जाएंगे तो हमें ज़रूरत नहीं, वो खुद पढ़ेंगे। तो बेहतर शक्ल है, आदमी खुद पढ़ सकता है तो खुद पढ़े और दम कर ले। दम करना तो बिल्कुल साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रोज़ाना ईशा के बाद जब आप आराम फरमाने के लिए लेटते थे तो आप आयात शरीफा या बाद सूरतें पढ़ते थे, और बाद रिवायतों में इसका तज़किरा है कि सर से पाँव तक दम फरमाते थे, हाथ पे फूंकते थे और फेर लेते थे जिस्म पर। तो इसमें तो कोई कलाम नहीं है। लेकिन जो तावीज़ात होते हैं जिसमें आयात कुरानियाँ लिखी जाती हैं, अगर आयात कुरानियाँ लिखी जाएं तो इसमें भी हर्ज नहीं। शर्त यह है कि उसके अदब और अहतराम को महफूज रखा जाए। इसलिए इसका रिवाज है कि उसको मोम जामा कर देते हैं ताकि वो पूरा अंदर बंद हो जाए और उसकी बेअदबी ना हो। दूसरे इसका ख्याल भी रहे कि आदमी बाथरूम वगैरह जाता है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखे कि वो उतार कर जाए, और ख़ास तौर से अगर वो तावीज़ खुला हुआ है तो इसमें बहुत बेदबी की बात है कि अल्लाह का नाम लिखा है या आयात कुरानियाँ लिखी हैं, असमा इलाहिया लिखे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं तो ये दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसमें अदब का फिर लिहाज रखना बहुत ज़रूरी,
बेअदबी ना हो वरना उसका नुकसान होगा। तो अगर आयात कुरानिया वगैरह हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। अलबत्ता ये जो नंबरात वगैरह लिखे जाते हैं और आयात कुरानिया के ही नंबरात होते हैं तो इसमें भी इख्तिलाफ रहा है। उम्मत के एक तबका है जो कहता है कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन बड़ा तबका उसको जायज़ कहता है और ये कहते हैं कि नंबरात वो आयात कुरानिया के हैं और उसमें उसके असरात कुछ ना कुछ मुंतकिल होते हैं। और ये अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है, हमारे बहुत बड़े मर्द मशायख हैं उनसे भी इसका सबूत है कि वो इस तरह के तावीज़ात वगैरह लिखने का उनके यहाँ अहतमाम था और उसके पस मंज़र में उनके जहन में जो बात थी वो ये भी थी कि बहुत से गैर मुस्लिम भी आते हैं और ये एक ज़रिया है उनको करीब करने का भी, और अगर उनका काम हो जाएगा उससे तो क्या बईद है कि अल्लाह ताला उनके दिलों में इस्लाम की तरफ रग़बत पैदा फरमा दे। एक वाक़िया तो हमारे साथ ही पेश आया, एक साहब आए हमारे पास, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, हमने उनसे पूछा कि सबब क्या हुआ, तो अजीब बात है कि उनकी हिदायत का सबब तावीज़ ही बना। परेशान थे वो और बहुत इलाज की उन्होंने कोशिशें की और अपने जो फूक झाल करने वाले हैं उनके पास भी गए होंगे और उसके अलावा जो भी ज़ाहिरी असबाब हैं इलाज के वो भी अख्तियार किए, कोई फ़ायदा नहीं होता था। कोई अल्लाह का बंदा मिल गया उनको, उसने कहा हाँ हम आपका इलाज कर देते हैं कुरान मजीद से, और उसने उनको दम किया, कोई तावीज़ दे दिया, वो कहते हैं कि ऐसी शिफा हो गई, हम तो लगता था हलाक हो जाएंगे, उसके बाद से नई ज़िंदगी मिली। तो अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि जिस कलाम में शिफा है, असल कलाम तो वही हक है और कुरान मजीद को अल्लाह ने शिफा कहा ही है। और ये शिफा जो कुरान मजीद को अल्लाह ने फरमाया फ़ी शिफा, तो ये शिफा ज़ाहिरी भी है और ये शिफा बातिनी भी है। असल तो ये शिफाए बातिनी है, आदमी को हिदायत देने वाला कलाम, आदमी को सही रास्ता बताने वाला कलाम, आदमी के अंदर के बातिनी अमराज को दूर करने वाला कलाम, आदमी को सही रास्ता बताने वाला कलाम। लेकिन जिस तरह ज़ाहिरी बातिनी अमराज दूर होते हैं, इसी तरह अल्लाह ने इस कलाम में बरकत रखी है कि उससे ज़ाहिरी अमराज भी दूर होते हैं। कुरान मजीद पढ़ के दम कर दे उसका फ़ायदा होता है, उससे शिफा होती है। हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के बाद वाक़यात हैं, एक सफ़र में अजीब वाक़या पेश आया, एक सफ़र में लश्कर जा रहा था, वहाँ का जो वो था अमीर था उस कबीले का या बादशाह था, उसके सर में दर्द होता था और शिफा नहीं होती थी। उसने कहलवाया कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इलाज हो तुम इलाज कर दो तो हम तुम्हें कुछ बदला भी देंगे। वो उस वक्त बड़ी परेशानी का आलम था, सहाबा फ़क फाके से थे, खाने को भी नहीं था। तो जो साहब वहाँ गए अमीर थे लश्कर के या कोई बड़े सहाबी थे, उन्होंने कहा ठीक है हम इलाज तो कर देंगे, लेकिन बकरियों के एक बड़ी तादाद की शर्त लगाई उन्होंने कि बकरियाँ तुम्हें देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे। उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया तो बकरियों की जो तादाद तय हुई थी वो बकरियों की तादाद उन्होंने ली और उसका फ़ायदा ही हुआ कि जो परेशानियाँ थीं वो अलहमदिल्ला दूर हुई। साहबा ने अलहमदिल्ला आराम से खाने वाने का नज़म हो गया। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया कि कुछ बचा है उस गोश में से, गोया कि आप का कहने का मकसद ये था कि बचा हो तो मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, गोया कि इस तरह से एक तरह जवाब आपने उनको बताया। तो इस तरह जो लोग झाड़ फूँक वगैरह करते हैं उसमें एक तो दुरुस्त शक्ल है, मुनासिब सूरत है कि आयतें पढ़ के दम कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उस पर बाद मरतबा जो मुआवजा वगैरह ले लिया जाता है तो अलल इतलाक़ इसको भी हम हराम और नाजायज़ नहीं कह सकते, लेकिन उसमें गुलू ना हो और बेजा ही काम ना किया जाए। इसको लोगों ने बाद मरतबा धंधा बना लिया, धंधा ना बनाया जाए तो बेहतर है। कभी आदमी कुछ दे दे या ऐसे जैसे ज़रूरत थी ऐसी कोई ज़रूरत है और कभी कोई तकाजा कर ले अपने लिए नहीं बल्कि तकाजा इसलिए करे कि लोगों को कुछ भला हो जाए तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन बहरहाल एहतियात के साथ। और बाकी जो तावीज़ात लिखे जाते हैं कागज़ पर उसकी भी इजाज़त दी जा सकती है अगर आयात कुरानियाँ हों। अगर ये आदाद हों तो भी, अगर कुरानी आयात के अल्लाह के नामों के आदाद हैं दुआओं के तो भी इसकी इजाज़त किसी हद तक दी जा सकती है। हमारे बड़े बड़े उलमा ने भी इसको इख्तियार किया, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इसका एक बड़ा फ़ायदा गैरों को करीब करने का, इस मुल्क में ख़ास तौर से जहाँ हम रहते हैं उनको करीब करने का फ़ायदा है, उनको नफ़ा होगा और इस्लाम की एक तस्वीर अच्छी उनके सामने चली जाएगी तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। अलबत्ता वो आदात जो बिल्कुल बेमालूम हो या वो कलेमात के जिनका कुछ पता नहीं, जैसे बाद लोग सुरियानी अबरानी कह के न जाने क्या क्या लिख देते हैं, फरिश्तों के नाम लिखते हैं और क्या करते हैं,
इसमें तो बहुत शुभे की बात है कि गोया गैरुल्लाह से एक तरह की इस्तिमदाद की शक्ल हो जाती, तो इसकी इजाज़त देनी तो बिल्कुल मुनासिब नहीं, इससे बचना चाहिए। और यहाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसे लोग तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, ये वो मुतवक्किलीन हैं कि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और इस तरह के असबाब की तरफ भी तवज्जो नहीं करते। और इसी तरह दवा का मसला है, दवा का हुक्म है कि हम दवा अख्तियार करें, लेकिन बाज़ रिवायतों में ऐसा तस्करा मिलता है कि वो लोग के जो बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा करते हैं और आला मकाम रखने वाले लोग हैं, तो बाज़ हमारे शुर्राह ने वहाँ ये बात लिखी है कि अगर आदमी दवा इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि दवा ही शिफा देगी, तो ये तो बिल्कुल तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। बल्कि अगर बात ज़रा सी आगे बढ़ जाए और आदमी दवा को शाफी समझ ले, तो ये तो अकीदे तौहीद के मुनाफी है। लेकिन अगर दवा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है कि हुक्म रसूल है, हमें दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दवा इस्तेमाल फरमाई है और दवा शिफा नहीं देती, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। ये तो ऐन तवक्कुल है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सबब इख्तियार करे और उसके बाद तवक्कुल करे। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हदीस में आता है, किसी ने पूछा आपसे कि अल्लाह के रसूल हम घोड़ा छोड़ दें या घोड़ा बांधें, तो आपने फरमाया घोड़ा बांधो फिर तवक्कुल करो, घोड़ा बांधो फिर तवक्कुल करो। यानी गोया कि असबाब इख्तियार करो लेकिन असबाब को कुछ ना समझो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो कि करने वाली ज़ात उसी की। तो ये है कि रुकिया जो है फी नफ्सी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन अल्लाह का नाम बहुत बड़ी चीज़, अल्लाह का कलाम बहुत बड़ी चीज़, अल्लाह के कलाम में शिफा, अल्लाह के नाम में शिफा, उसके ज़रिए से आदमी अगर शिफा हासिल कर रहा है, दम कर रहा है, या कागज़ पर लिख कर दे रहा है, किसी को पानी पर डाल दिया कि पीते रहो, या गले में लगा दिया, और सिर्फ अल्लाह के नाम है उसमें और आयात कुरानियाँ हैं, तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है, बज़ाहिर इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। और फरमाया वला ततय्यरून, ये वो लोग हैं, दूसरी सिफत उनकी ये है कि वो तत्य्युर नहीं करते। ये ज़माने जाहिलियत का रिवाज था, परिंदों से शगुन लेते थे, और उसके एक तरीक़ा ये होता था कि परिंदा ले लिया और छोड़ दिया, अगर दाएं तरफ चला गया तो ये नेक शगुन है, और बाएं तरफ चला गया तो बदशगुन है, अगर दाएं तरफ चला गया तो अब काम होगा और बाएं तरफ चला गया तो काम नहीं होगा। ऐसी ऐसी खुराफात उनके यहाँ मशहूर थीं, ऐसी अगर उल्लू का नाम ले लिया, उल्लू बोल गया तो अब ये मनहूस है, अब उसके बाद कोई काम नहीं होगा। हदीस में आता है लादवा वाला तयारत वाला हामत वाला सफ़र, मौत का तस्करा है कि परिंदे से सुकून ली जाती है, ये भी गलत है, और जो उल्लू को मनहूस समझा जाता है ये भी गलत है। आज भी हमारे ज़माने में ये रिवाज बहुत से इलाकों में है, और हमारे बाद मुसलमान भाई भी इस गलती में मुबतला हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो बस अब सफ़र नहीं करना चाहिए, अब गोया के आगे ख़तरा है। हमारे फूफा सैयद मुस्लिम साहब किस्सा सुनाते थे कि उनके ऑफिस में एक मुसलमान बड़े ऑफिसर थे, उनके साथ वो कहीं जा रहे, तो इत्तेफाक से बिल्ली रास्ता काट गई, इन्होंने वहाँ फौरन खड़े हो गए कि अब मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं वापस जाऊँगा। उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं आप चलें, कोई हर्ज नहीं है, कहा नहीं नहीं बिल्ली रास्ता काट गई गड़बड़ हो जाएगा। जब इन्होंने ज़्यादा समझाया तो उन्होंने कहा चलिए, चले गए, और साथ साथ मुस्लिम साहब भी गए। अल्लाह का करना, अल्लाह जैसा जहन होता है वैसे ही बाद मरतबा मामला आगे बढ़ा देते हैं, जैसे है ना कुरान मजीद में कि नुवल्ली मा तवल्ला, जिस रुख की तरफ वो जाता है धक्का हम देते हैं पीछे से, जाओ धरी। तो उनका किस्सा अजीब हुआ, आगे गए, एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, कहने लगे देखिए सही मुस्लिम साहब, हसनी साहब, आपसे कहा था ना बिल्ली रास्ता काट गई, हमारी ये गत बन गई, आपने हमें माने नहीं, और आपने इसरार किया कि हम ज़रूर आगे बढ़ें। तो कहने लगे कि आपकी हड्डी टूट गई, मेरी क्यों नहीं टूटी भाई, मैं भी तो आपके साथ आगे बढ़ा था, अगर ये मनहूस था तो मेरे लिए मनहूस होना चाहिए, आपके जहन की ख़राबी है जो हड्डी टूटी, हमारे जहन का काम ये नहीं था, हमारा जहन सही काम कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सही सलामत। तो आदमी के दिमाग में जो खन्नास होता है बाज़ मरतबा अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। तो ये जो रिवाज इस तरह के हैं सब गलत हैं कि बिल्ली रास्ता का हड्डी तो सफ़र ना किया जाए, फला रंग का कबूतर नज़र आ गया, तो ये सारी लगवियात हैं, कोई इसका दीन से ताल्लुक नहीं। परिंदों से इस तरह के जितने शगुन लिए जाते हैं वो किसी भी नौईयत के हों, ये सब गैर शराई हैं, और जो लोग इससे बरी हैं इंशाअल्लाह ये वो लोग हैं जो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले, अल्लाह उनको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फिर फरमाया वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं। एक तो ये कि वो रुकिया नहीं करते, और दूसरे ये कि वो तत्य्युर नहीं करते, परिंदों से शगुन नहीं लेते, और तीसरे ये कि अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह पर पूरा एतमाद और यकीन उनको होता है,
तो ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। मैंने पहले अर्ज किया था कि तवक्कुल के दराजात होते हैं। एक तवक्कुल उस अल्लाह के खास बंदे का होता है जो मकाम सिद्दीकियत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने ये मौका दिया कि पूरे घर का सामान दे दिया, कबूल कर लिया गया, ये उनके शाया निशान। ये जो इस मकाम पर हो, मकाम सिद्दीकियत पर हो, उसका ये तवक्कुल है। और आदमी कोशिश करे कम से कम उससे करीब से करीब तर वो अपने को करे और अल्लाह पे भरोसा करे, और सिर्फ इस चक्कर में ना रहे कि बस हमारे लिए सारे असबाब फराहम हो जाएं और ये सोचने दिमाग में बात बैठ जाए कि काम तो असबाब ही से होता है। उसको समझना चाहिए काम तो मुसब्बिबुल असबाब से होता है, असबाब तो जरिया होते हैं और जरिया भी अल्लाह बनाता है। अल्लाह चाहता है तो असबाब से काम होता है और अल्लाह नहीं चाहता तो असबाब से काम नहीं होता। तो जो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले हजरात हैं उनकी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं और अल्लाह ताला उनका काम बना देता है। उनको अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देता है कसीब कि वो सान गुमान नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक ताला वहाँ से उनको रिस्क पहुँचाते। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हैं, हैरत होती है। एक मरतबा यहीं तकिए का वाक़या है जहाँ ये बैठ कर दर्स दिया जा रहा है। मस्जिद में बड़े बड़े अफसोस के मशायख जमा थे, हज़रत शाह इस्माइल शहीद, इमाम अब्दुल्ही साहब बुरहानवी और बड़े बड़े लोग मस्जिद के अंदर थे और सब जिक्र में मुराकबे में लगे हुए थे। हजरत के भांजे थे मौलाना अहमद अली साहब। उस ज़माने में कहर पड़ा था और फाका और भूख ऐसा था कि बच्चे रोते थे, बिलखते थे और बार मरतबा खाने को नहीं होता था। तो मौलाना अहमद अली साहब आए और परेशान हो गए, घर में देखा बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आकर मौलाना इस्माइल सईद से कहा कि हजरत क्या हाल है? कहा हाल अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमतों का नजूल है, आप भी तशरीफ लाई। कहने लगे क्या हाजिर हूँ, घर में बच्चों का रोना नहीं सुना जाता। तो कह हजरत से दुआ कराई। तो मौलाना इस्माइल शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह सईद साहब के पास गए और कहा कि हजरत ये मौलाना मोहम्मद अली आपके भांजे आए हैं। मौलाना अहमद अली गालिबन दोनों भांजे थे, मोहम्मद अली भी अहमद अली भी, इनमें किसी एक का वाक़या है। तो आप से दुआ कराना चाहते हैं, बच्चे बिलख रहे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है। सैलाब ऐसा था कि नदी भरी हुई थी और बिल्कुल खेतियाँ गफाब हो चुकी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग परेशान। सैयद साहब ने कहा मियाँ मोहम्मद अली परेशान है, आओ भाई अल्लाह से दुआ करें। हाथ उठाए और दुआ की, बस हाथ रखे भी नहीं थे कि पार से आवाज़ आई, नदी बड़ी हुई थी कि हमें उतारो हमें उतारो, यहाँ नदी है मस्जिद से मुतसिल। और अक्सर लोग जो आते थे, ज़माने में सड़क बन गई, पहले सड़क वगैरह कुछ नहीं थी, तो पार से लोग आते थे। सैयद साहब ने कहा देखो भाई कौन आया। मालूम हुआ कि किसी हजरत सैयद साहब के बड़े ताल्लुक वाले कोई बड़े साहूकार हैं, कौन हैं, उन्होंने कुछ हजरत की खिदमत में नजराना भेजा। हजरत ने कहा लाओ डोंगे ले जाओ उतार के लाओ। लोग गए उनको लाए, उन्होंने नजराना पेश किया। सैयद साहब ने कहा लो अल्लाह ताला इंतजाम कर दिया। मौलाना मोहम्मद अली साहब कहने के हजरत पैसा क्या करेंगे, हमें तो खाना चाहिए। हजरत ने कहा जाओ फला बनिया की दुकान खुलवाओ, खुलवा के गल्ला लेकर आओ, सबके खाने का इंतज़ाम करो। और फिर अजीब गरीब बात फरमाई, फरमाया कि अगर सारी दुनिया की मखलूक हमारे साथ हो तो हमें ज़र्रा बराबर ये शुबा नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उसका रिस्क पहुँचाएगा, हर एक को उसका रिस्क पहुँचाएगा। ऐसे ही एक वाकया हजरत का पेश आया जब पेशावर तशरीफ ले जा रहे थे हिजरत के लिए, और हजरत का मकसद था कि मुल्क को आज़ाद कराया जाए, अंग्रेज़ों की उस गुलामी थी, मुल्क को आज़ाद कराया जाए और यहाँ सही निज़ाम कायम किया जाए। इसके लिए उन्होंने पेशावर का इंतखाब किया था। ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वो ज़माना था कि इस ज़माने में ये पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश और काबुल तक और ये पूरा हिंदुस्तान, ये सब का सब हिंदुस्तान था, ये तकसीम नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं था। तो हजरत वहाँ हिजरत करके गए, इसलिए गए ताकि पूरा मुल्क आज़ाद कराया जाए अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से और एक नया सही निज़ाम यहाँ पर कायम किया जाए। और महाराजा ग्वालियर को हजरत ने उस ज़माने में उनकी फिरासत की बात है ख़त लिखा था कि ये अंग्रेज़ यहाँ काबिज़ हो गए हैं, मुल्क पर उन्होंने जुल्म किया और कब्ज़ा किया, हमें और आपको मिलकर इनको निकालना चाहिए, उसके बाद हम लोग यहाँ निज़ाम अपना बना लेंगे। और फिर वहाँ महाराजा ग्वालियर के किले में हजरत गए और वहाँ कई रोज़ रहे, उन्होंने बड़ी खातिर की। और जब हजरत हिजरत के लिए सफ़र जिहाद के लिए जाने लगे तो उन्होंने बाकायदा महाराजा ग्वालियर ने हथियार पेश किए खिदमत में। ये वाक़या है। तो हजरत जब जा रहे थे अजीब गरीब बात पेश आई कि जब वहाँ पेशावर करीब होने लगा, वो पहाड़ी इलाका है वहाँ रास्ते में, तो सख्त सर्दी का ज़माना था, बर्फबारी हो रही थी और जगह जगह बर्फ जमी हुई थी, रात का वक्त हो गया। लोगों ने कहा हजरत इस वक्त आगे जाना खतरे से खाली नहीं, अगर आगे जाएंगे कहीं हो सकता है कोई गढ़ा हो, कुआं हो, ऊपर बर्फ जम गई हो और किसी का पैर पड़े वो नीचे चला जाए। लेकिन मसला ये है कि न तो ओढ़ने को, ना बिछाने को, ना खाने को, ना पीने को, अब करें तो क्या करें। हजरत अजीब गरीब बात फरमाई। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
अल्लाह ने मुझसे बहुत सी मेहमानियों का वादा किया है, एक मेहमानी आज भी सही। बस अजीब गरीब अल्लाह का मामला। हजरत ने ये कहा, देखा लोग चारपाइयां गद्दे लिहाफ लिए चले आ रहे हैं और सड़ों पर अपने सरों पर उसके शहद के और दूध के मटके लिए चले आ रहे हैं। हजरत ने कहा लो देखो अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, पियो शहद में भी दूध में शहद मिला के पियो और ये ओढ़ के सो जाओ। लोग सो गए। सुबह उठे तो कहने लगे हजरत अब क्या करें, बिस्तर कौन ले जाएगा, लाद के हम लोग कहाँ ले जा सकते हैं। फरमाया मियाँ इस चक्कर में ना पड़ो, जो लाया है वो ले जाएगा। अभी वहां भी यही जुमला हजरत ने फरमाया कि अगर सिंध का सहरा हो या अरब का रेगिस्तान हो और सारी दुनिया की मखलूक हमारे साथ हो तो मुझे जर्रा बराबर शुबा नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला सबको रिस्क पहुँचाता है। ये यकीन की बात, और यकीन अल्लाह जिसको अता फरमाता है उसके लिए आला तवक्कुल ही ऐन मुनासिब होता है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए सारे रास्ते खोल देते हैं। समझना मुश्किल होता है कि ये कहाँ से रास्ते खुले। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हजरत जब सफ़र हज के लिए गए वही सूरत हाल थी, एक रुपया था वो भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया और फिर ऐसी फराखी के साथ पूरा सफ़र हुआ, कई सौ 700 का तकरीबन काफिला था, आराम से गए आराम से आए। ये अल्लाह वालों का मामला होता है, लेकिन ये वाकयात इसलिए होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सबक मिले, हम भी गौर करें और सोचें कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जो असबाब हमें अख्तियार करने हैं यकीनन हम अख्तियार करें, लेकिन उसमें हद से ज़्यादा तअल्लुक़ करना, बहुत ज़्यादा तजावुज़ करना, उसी पर भरोसा कर लेना, उसी को सब कुछ समझना, ये ऐसी चीज़ है कि अल्लाह की बार मरतबा मदद उठ जाती है। तो इसलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और ये तीन सिफात यहाँ ख़ास तौर से बयान की गई हैं, उसमें पहली बात यह है कि वो लोग रुकिया नहीं करते। मैंने वजाहत कर दी कि रुकिया जो नामुनासिब है वो तो बिल्कुल नामुनासिब है, जायज़ नहीं। और बाज़ रुकिया की शक्ल वो है जो जायज़ हैं लेकिन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन अल्लाह का कलाम अगर है तो ज़ाहिर है हम उस कलाम को उसकी हम कमी नहीं कर सकते, यकीनन उसमें बरकत है, उसमें शिफा है और उसकी इजाज़त भी है। और दूसरी बात यह है कि वो तत्य्युर नहीं करते, परिंदों से शगून नहीं लेते, बस शगून ही नहीं करते। और तीसरी बात ये कि अल्लाह पे भरोसा करते हैं। ये चीज़ें वो हैं जो अल्लाह को राज़ी करने वाली होती हैं। और ऐसे लोगों के बारे में भी फैसला है कि अल्लाह ताला उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लेगा और बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वा आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह।